तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोगों ने इस मास्टर डेबिट कार्ड को क्यों ऑर्डर करवाने। फर्स्ट, एक तो आप लोग को ये जेस कैश वालों की तरफ से मुफ्त में मिलता है, जस्ट एक रुपए आपके अकाउंट में से कास्ट होगा। सेकंड, आपको इस कार्ड के थ्रू पर मंथ 2 मुफ्त ट्रांजेक्शन मिलते हैं। दोस्तों अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इस कार्ड को आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज करवा सकते हैं, यानी जिधर भी आप लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवानी हो तो जेस मास्टर डेबिट कार्ड आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इस कार्ड को आप लोग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए नेशन वाइड यूज करवा सकते हैं, यानी इस कार्ड पे आप लोगों को कंप्लीट कंट्रोल होगा। इसका आप लोग ट्रांजेक्शन लिमिट सेट करवा सकते हैं, इसका पीओएस मैनेजमेंट करवा सकते हैं, जब चाहे आप लोग इस कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक करवा सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मुझे मेरा जेज मास्टर डेबिट कार्ड मिल चुका है। इंशाल्लाह इसरो को इस कार्ड पे कंप्लीट डिटेल पे बताऊंगा कि व्हाट इज जेज मास्टर डेबिट कार्ड, कि ये जेज मास्टर डेबिट कार्ड क्या चीज है। साथ साथ आप लोग को ये बताऊंगा कि व्हाई टू ऑर्डर जेज मास्टर डेबिट कार्ड, कि हम क्यों जेज मास्टर डेबिट कार्ड को ऑर्डर करें, क्योंकि और भी सर्विसेज आप लोग को मिलते हैं तो आप लोगों ने जेज मास्टर डेबिट कार्ड को क्यों सेलेक्ट करवाना है। थर्ड, आप लोग को ये बताऊंगा कि हाउ टू ऑर्डर जेज मास्टर डेबिट कार्ड, कि हम इस कार्ड को किस तरह ऑर्डर करवा सकते हैं। इस कार्ड को आप लोग 3 मुख्तलिफ मेथड में से ऑर्डर करवा सकते हैं। फर्स्ट, आप लोग के पास जेज कैश अकाउंट अवेलेबल है, आप लोग के पास स्मार्टफोन है और आप लोग के पास जेज कैश ऐप इंस्टॉल है तो आप लोगों ने इस कार्ड को किस तरह ऑर्डर करवाने। सेकंड, आप लोग के पास सिंपल मोबाइल फोन है, आप लोग के पास जेस कैश अकाउंट भी है तो आप लोगों ने *786# पे जाके इस कार्ड को किस तरह ऑर्डर करवाने। थर्ड, आप लोग के पास ना तो स्मार्टफोन है ना आप लोग के पास सिंपल मोबाइल फोन है पर आप लोग के पास जेस कैश अकाउंट अवेलेबल है तो आप लोगों ने जेस कैश के वेबसाइट पे जाके इस कार्ड को किस तरह ऑर्डर करवाने। फिर इस कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा कि इस कार्ड पे आप लोग को क्या क्या सर्विसेज और क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं। फिर इस कार्ड का अनबॉक्सिंग करवा के आप लोग को दिखाऊंगा कि इस बॉक्स पे आप लोग को क्या क्या चीज़ें मिलते हैं और एंड पे आप लोग को इसके एक्टिवेशन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे कहते हैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं साइम स्टूडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जेज मास्टर डेबिट कार्ड क्या चीज़ है। दोस्तों नॉर्मली आप लोगों ने मास्टर कार्ड का नाम सुना होगा जो कि आप लोगों को बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोग के कंप्लीट प्रोसेस में से गुजरना पड़ रहा था। सबसे पहले आप लोग बैंक पे अकाउंट बनाते थे, इसके बाद आप लोग मास्टर कार्ड को ऑर्डर करवा सकते हैं और अब जेस कैश वाले आप लोग को घर बैठे मुफ्त में मास्टर कार्ड प्रोवाइड करने वाले हैं, यानी आप लोग घर बैठे इस कार्ड को मुफ्त में ऑर्डर करवा सकते हैं। जस्ट एक रुपये आपके अकाउंट में से कास्ट होगा और आप लोग घर बैठे इस कार्ड को हासिल करवा सकते हैं, यानी इस कार्ड को आप लोग फिजिकल और वर्चुअल दोनों शेप पे ऑर्डर करवा सकते हैं, हासिल करवा सकते हैं। इस कार्ड को ऑर्डर करने के बाद आप लोग कहीं भी किसी भी जगह पे इस कार्ड को डिजिटल पेमेंट के लिए यूज करवा सकते हैं। इस कार्ड की अच्छी खासी बात यह कि इस कार्ड पे आप लोग को पर मंथ 2 मुफ्त ट्रांजेक्शन मिलने वाले, कि जब भी आप लोग इस कार्ड के थ्रू 2 ट्रांजेक्शन करवाते हैं तो पर मंथ आप लोग को 2 मुफ्त ट्रांजेक्शन मिलते हैं। साथ साथ आप लोग इस कार्ड को ऊंच 365 ऐप पे जाके इसको ऐड करवा सकते हैं और मोर देन 700 आइटम पे आप लोग बाई 1 गेट 1 का ऑफर यूज करवा सकते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कि हमने इस मास्टर कार्ड को क्यों ऑर्डर करवाना है। तो दोस्तों आप में से बहुत से यूजर ये सोच रहे होंगे कि हमने इस मास्टर डेबिट कार्ड को क्यों ऑर्डर करवाना है क्योंकि हमें और भी कार्ड सर्विसेज मिलते हैं। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोगों ने इस मास्टर डेबिट कार्ड को क्यों ऑर्डर करवाने। फर्स्ट, एक तो आप लोग को ये जेस कैश वालों की तरफ से मुफ्त में मिलता है, जस्ट एक रुपये आपके अकाउंट में से कास्ट होगा। सेकंड, आपको इस कार्ड के थ्रू पर मंथ 2 मुफ्त ट्रांजेक्शन मिलते हैं। थर्ड, ये एक सिक्योर और डिजिटल पेमेंट सिस्टम है और इस कार्ड के लिए आप लोग को किसी भी एनुअल चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, यानी एक टाइम आप लोगों ने इस कार्ड को ऑर्डर करवाया फिर आपके अकाउंट में से कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, जस्ट एक टाइम आप लोगों ने इसको ऑर्डर करवाना है। ना तो इस कार्ड के लिए आप लोगों ने किसी भी ब्रांच पे जाना पड़ेगा और ना किसी भी लाइन पे इंतजार करना पड़ेगा, जस्ट घर बैठे आप लोग आसानी के साथ इस कार्ड को ऑर्डर करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस कार्ड को ऑर्डर नहीं किया तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप उसी पे जाके इस कार्ड को जल्दी से ऑर्डर करवा सकते हैं। फिर भी अगर आप लोग को नहीं पता कि हमने इस कार्ड को किस तरह ऑर्डर करवाने, तो चलिए मैं मोबाइल के स्क्रीन पर जाता हूँ और वहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्ड को किस तरह ऑर्डर करवानी है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्ट पे बता दिया कि इस कार्ड को आप लोग 3 मुख्तलिफ मेथड में से ऑर्डर करवा सकते हैं। फर्स्ट, आप लोग के पास स्मार्टफोन है, आप लोग के पास जेस कैश अकाउंट अवेलेबल है और आप लोग के पास जेस कैश ऐप इंस्टॉल है तो आप लोगों ने इस कार्ड को किस तरह ऑर्डर करना है। सेकंड, आप लोग के पास सिंपल मोबाइल फोन है तो आप लोगों ने *786# पे जाके आप लोगों ने इस कार्ड को किस तरह ऑर्डर करना है। थर्ड, आप लोग के पास जेस कैश अकाउंट अवेलेबल है लेकिन आप लोग के पास ना तो स्मार्टफोन है ना आप लोग के पास सिंपल मोबाइल फोन है तो फिर आप लोगों ने जेस कैश के वेबसाइट में से किस तरह ऑर्डर करना है। तो चलिए मैं
आप लोग को मोबाइल पे तीनों मेथड दिखा देता हूँ कि जो भी मेथड आप लोग को इजी हो आप लोग इसको यूज करवा के इस कार्ड को जल्दी से ऑर्डर करवा सकते हैं। फर्स्ट मेथड आप लोग को आपके सिंपल मोबाइल फोन या डायल पैड में से दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ से अपने कीपैड या डायल पैड में *786# डायल करना है और अपने अकाउंट पे जाके इस कार्ड को किस तरह ऑर्डर करवानी है। यहाँ से आप लोगों ने 6 नंबर पे माई अकाउंट सेलेक्ट करवानी है। इसके बाद 4th नंबर पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, आप लोगों ने उसी पे जाना है और इसके बाद यहाँ से कार्ड ऑर्डर, इसके बाद अगेन कार्ड ऑर्डर और यहाँ से आप लोग को ऑप्शन मिलते हैं कि मास्टर कार्ड या पेपैक, तो यहाँ पे मास्टर कार्ड सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को आपका नाम शो करेगा, यानी जेस कैश अकाउंट पे आपका जो नाम रजिस्टर है वही नाम आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोग ने कार्ड पे कोई दूसरा नाम एंटर करवाना तो आप लोग यहाँ एडिट नेम पे क्लिक करवा के भी उस नेम को एडिट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यही नेम सेलेक्ट कर देता हूँ, तो मैं 1 को सेलेक्ट करूँगा और इसको सेंड पे क्लिक करूँगा और अब यहाँ से मुझे सिटी मिल जाएगा कि कौन सी सिटी पे मुझे ये कार्ड मिलनी चाहिए। मैं सिटी सेलेक्ट करूँगा और सिटी सेलेक्ट करने के बाद अपना एड्रेस एंटर करवा के इस कार्ड को कंफर्म करवा सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप लोग ये सारे चीज़ें से निकलना चाहे तो आप लोग ने क्या करना है, अपने डायल पैड में से *786*6*4*1*1# को डायल करना है तो डायरेक्टली आप लोग को मास्टर कार्ड के सेक्शन पे लेके जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग मास्टर कार्ड सेलेक्ट करवा सकते हैं, फिर अपना नाम कंफर्म करवा सकते हैं, इसके बाद सिटी और इसके बाद अपना एड्रेस डायल करके आप लोग को आपका कार्ड विद इन 15 डेज मिल जाएगा। और अब मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि अगर आपके पास ना तो स्मार्टफोन है ना सिंपल मोबाइल फ़ोन है तो फिर आप लोगों ने इस कार्ड को जेएस कैश के ऑफिशियल वेबसाइट में से किस तरह ऑर्डर करवानी है। मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ और आप लोग को इसी वीडियो के लिंक पे ये डिस्क्रिप्शन पे ये लिंक मिल जाएगा और इसी लिंक पे क्लिक करवा के आप लोग को डायरेक्टली इस वेबसाइट पे लेके आएगा। यहाँ से आप लोग अपना जेएस कार्ड आसानी के साथ ऑर्डर करवा सकते हैं। इसके बाद नीचे लिखे कि गेट योर पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड, इसके बाद ऑलरेडी प्लेस्ड इन ऑर्डर, यहाँ से तो आप लोग इसको ट्रैक करवा सकते हैं। तो ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है और इसके बाद स्टेप 1 आप पाइप, यानी पाइप स्टेप में से आप लोग इसको ऑर्डर करवा सकते हैं। मास्टर डेबिट कार्ड है, इसके नीचे जो चीज़ें लिखे हैं यहाँ पे इसके प्राइस वगैरह लिखे हैं। इसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और इसी तरह आप लोगों ने अपना मोबाइल अकाउंट नंबर देना है। फॉर एग्जांपल मेरे जो जिस नंबर पे मेरा जेएस अकाउंट बने मैं उसी को इंटर करूंगा। इसके बाद मैं अपना CNSC यानी कंप्यूटराइज्ड नेशनल आईडी का आइडेंटिटी कार्ड इंटर करूंगा, इसी का नंबर इंटर करूंगा और इसके बाद क्या करना है, काइंडली इंश्योर फॉलोइंग बिफोर एडिंग यू हैव ए रजिस्टर्ड जेएस कैश मोबाइल अकाउंट। यहाँ पे आपके पास अगर जेएस कैश अकाउंट नहीं है तो आप लोग इसको रजिस्टर नहीं करवा सकते। अगर आप लोग अपना जेएस कैश अकाउंट रजिस्टर करवाना चाहे तो आप लोग *786# को डायल करवा के आसानी के साथ अपना अकाउंट अपने CNSE के थ्रू अपना नाम इंटर करवा के रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके बाद क्या बता रहे, यू हैव इनअप अकाउंट बैलेंस फॉर कार्ड ऑर्डरिंग, यहाँ पे बता रहे कि आप लोग के पास कम से कम 399 यानी 399 रुपये आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। जब आप लोग इस कार्ड को ऑर्डर करवाते आपके अकाउंट में से ये बैलेंस काट दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने अगर इसमें से कोई ट्रांजेक्शन किया 1000 रुपये का तो फिर आप लोग को ये अमाउंट क्या हो जाएगा, वापस आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा यानी आप लोग को वापस मिल जाएगा। द पीस विल बी डिडक्टेड रियल टाइम फ्राम योर मोबाइल अकाउंट, यहाँ पर अब आपके अकाउंट में से ये काट दिया जाएगा। तो क्या करना है आप लोगों ने, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये चीज़ें अपील करवा के। तो मैं फॉर एग्जांपल अपना नंबर एंटर करवा लेता हूँ जेएस कैश का, इसके बाद अपना CNSE नंबर। तो जैसे ही आप लोग अपना जेएस कैश अकाउंट नंबर एंटर कर इसके बाद CNSE नंबर, आप लोगों ने क्या करना, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब नीचे आप लोग को बता रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जो नाम आ रहा है कि प्लीज इंश्योर नेम एंटर एज पर CNSE ऑन विच द अकाउंट इज रजिस्टर्ड, यहाँ पे बता रहे कि जिस CNSE पे आपका अकाउंट रजिस्टर है उस पे जो नाम आ रहा है उसी नाम को यहाँ पे आप लोग एंटर कर सकते हैं। अल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर, यानी आप लोग के पास कोई भी दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर हो जिसके साथ आपके साथ कॉन्टेक्ट किया जा सकते आप लोग उसको एंटर करवा सकते हैं। ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए, हूरी पर यू पर जेएस कैश डेबिट कार्ड जो कि ऑप्शनल है, आप लोग इस ऑप्शन को यूज़ ना भी करें कोई मसला नहीं। इसके बाद क्या बता रहे किस सिटी, किस सिटी पर चाहे, तो चलिए मैं ये वाला चीज़ें भी एंटर करवा के फिर आप लोग को दिखा देता हूँ।
अच्छा तो यहाँ पे अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों ने इसी वजह से यूज़ करने, फॉर एग्जांपल आप लोग का जिस नंबर पे जीएस कैश अकाउंट बना हो वो आपके एक्सिस में ना हो, आपका नंबर बंद हो, तो फिर आपके साथ दूसरा नंबर होना ज़रूरी है कि उसी के थ्रू आपके साथ कॉन्टेक्ट कर दिया जा सके जब आप लोग को आपका कार्ड मिल सके इस पर कोई भी प्रॉब्लम हो। इसके बाद आप लोग अपना ई मेल एड्रेस एंटर कीजिए। इसके बाद ये वाला सेक्शन में एम टी चो कोड छोड़ देता हूँ। इसके बाद सिटी, किस सिटी पर मुझे चाहिए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सिटी 410 से लिखी, इसके बाद बता रहे कि हाउस के एड्रेस है, अपार्टमेंट नंबर है या आप इस पे आप लोग को ये चीज़ चाहिए यानी ये कार्ड मिलनी चाहिए, ये आप लोग ने एंटर करने। इसके बाद स्ट्रीट, गली, लेन यहाँ पे बता रहे कि सेक्टर, टाउन, मोहल्ला, कॉलोनी, इसी तरह ये चीज़ें नियर बाई लैंडमार्क जो कि आप लोग के जिस जगह पे आप लोग इस कार्ड को ऑर्डर करवाना चाहते हैं वहाँ पे कोई भी मशहूर चीज़ हो, आप लोग का पीटी सेल सेंटर हो, पुलिस स्टेशन हो, आप लोग के पास कोई भी बैंक हो, कोई भी इस तरह का चीज़ हो, आप लोग के पास कोई कॉलेज स्कूल हो तो आप लोग उसका लैंडमार्क दे सकते हैं। तो चलिए मैं ये चीज़ें भी एंटर करवा के फिर आप लोग को नेक्स्ट लेके जाता हूँ। अच्छा तो इसी तरह आप लोग अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर करवा सकते हैं, हाउस, अपार्टमेंट, ऑफिस नंबर, स्ट्रीट, गली, लेन, इसके बाद सेक्टर, टाउन, मोहल्ला, कॉलोनी, इसके बाद नियर बाई लैंडमार्क, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आप लोग को पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, इसके बाद जो एड्रेस मेलिंग एड्रेस आप लोगों ने दिया हो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें कोई चेंजेस करने हो तो आप लोग बैक जाके उसको एडिट करवा सकते। इसके बाद कार्ड पीस आ रहा है जो कि RS1 है, इसके बाद कार्ड पीस लेके आप लोग को RS1 का ऑप्शन है। टू कन्फर्म रिक्वेस्ट प्लीज़ वेरीफाई एड्रेस एंड प्रोसीड बटन, यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें कन्फर्म है, ये रिक्वेस्ट कन्फर्म करनी यानी ये कार्ड आप लोगों को मिलनी चाहिए तो आप लोगों ने क्या करना है, वेरीफाई एड्रेस एंड प्रोसीड पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अगर आप लोग इस एड्रेस को चेंज करवाना चाहे तो आप लोग इसको चेंज करवा सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरीफाई एड्रेस एंड प्रोसीड पर क्लिक किया तो मुझे ये कार्ड मिल जाएगा। तो क्या कर रहे हैं आप लोगों ने, ये वाला मेथड आप लोग इस तरह यूज़ करवा सकते हैं कि वेब से किस तरह आप लोगों ने आर्डर करवाने। अब थर्ड नंबर मेथड आप लोगों को जीएस कैश ऐप के थ्रू किस तरह आर्डर करवाने मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरे पास जीएस कैश ऐप ऑन हो गया, यहाँ से अपना अकाउंट लॉग इन करवा देता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे आप लोग ने क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आप लोग को ये अकाउंट लॉग इन होता है यहाँ पे आप लोग को जीएस कैश ऐप का कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को न्यू टॉपिक पर यू पे न्यू पे ऑप्शन मिलेगा जीएस कैश डेबिट कार्ड का, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो कार्ड आप लोग के पास पहले से एक्टिवेटेड आप लोग को वो भी यहाँ पर मिल जाएगा, माई पेंडिंग कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ऑर्डर अ न्यू कार्ड का बटन मिलेगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे बता रहा है कि क्या चीज़ आपको चाहिए, न्यू मास्टर वर्चुअल कार्ड, यहाँ पे पेपा का कार्ड चाहिए या मुझे मास्टर डेबिट कार्ड, यहाँ पे हमें मास्टर डेबिट कार्ड ही चाहिए तो मैं ये वाला सेलेक्ट करवा लेता हूँ। अब मेरा नाम यहाँ से पूछ रहा जा रहा है कि कौन सा नाम आपके कार्ड पे एंटर कर दिया जाए, तो जीएस कैश पे मेरा जो नाम आ रहा है मैं उसी को एंटर करूँगा। अच्छा ये मेरा नाम यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा अपना नाम टाइप किया, इसके बाद क्या करूँगा सिलेक्ट डिलीवरी ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे अब आप लोगों ने पैकिंग एड्रेस के बारे में बता रहे कि मोबाइलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक पिक फ्राम यूअर नियरेस्ट MBBL ब्रांच, यहाँ पे बता रहा है कि आया हम इसको आपके करीबी जो मोबाइलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक हो उसी पे भेजते और वहाँ से आप लोग उस ब्रांच से रिसीव करवा सकते हैं, या अगर आप लोग पोस्टल डिलीवरी यानी आपका जो पोस्टल डिलीवरी आप लोग उसको सेट करवा के जिस तरह मैंने वेब पर बता दिया आप लोग को वहाँ से आप लोग इसको अपना एड्रेस दे के भी ऑर्डर करवा सकते हैं। मैं पोस्टल डिलीवरी से लिख करूँगा और इसके बाद यूज़ अ डिफरेंट एड्रेस, यहाँ पर बता रहा है कि इनेबल लोकेशन यानी यूज़ माई करंट लोकेशन, आप जिस लोकेशन से अब ये कार्ड ऑर्डर करवाने वाले आपका यही लोकेशन पे आपको कार्ड दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग आउट ऑफ होम हो या किसी दूसरी सिटी में से इस कार्ड को ऑर्डर करवाएं तो आप लोगों ने यूज़ माई करंट लोकेशन यूज़ नहीं करवाने, इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आपको उसी एड्रेस पर भेज दिया जाएगा, फिर आप घर पर आके आपको घर पर नहीं मिलेगा, तो क्या करना है यूज़ अ डिफरेंट एड्रेस पर क्लिक करना है। और यहाँ से इसी तरह जो कि वेब पे हमने ये डाटा एंटर किया मैं इसको दोबारा पे एंटर करवाया तो सिटी एरिया स्ट्रीट एड्रेस नियरेस्ट लैंडमार्क और ये चीज़ें एंटर करवा के फिर आप लोग को नेक्स्ट लेके जाता हूँ। तो चलिए इस सेक्शन को जल्दी से फिल करवा लेते।
अच्छा तो दोस्तों जैसे ही आप लोग अपना डिलीवरी एड्रेस इंटर का अपना सिटी इंटर करवाते हैं, अपना एरिया सेलेक्ट करवा सकते हैं, स्ट्रीट एड्रेस, इसके बाद नियरेस्ट लैंडमार्क। नियरेस्ट लैंडमार्क पे आप लोगों ने वही चीज़ यूज़ करना हो, आपके पास करीबी कोई भी ऐसा जगह हो जो कि सब लोगों को पता हो, तो आप लोगों ने उसी को यूज़ करवाना है। इसके बाद रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका नाम शो होगा, इसको एडिट करवा सकते हैं अगर आप लोगों ने गलत टाइप किया। उसके बाद डिलीवरी एड्रेस यानी जो डिटेल आप लोगों ने दिया पोस्टल एड्रेस, इसके बाद आपका ईमेल आ जाएगा, इसके बाद प्रेपर बाई किसने आपको प्रेपर किया है तो आप लोग को ये भी, इसके बाद आपका कार्ड पीस आ जाएगा जो कि RS1 ही है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया कि आप लोग को जस्ट 1 रुपये पे आपका ये कार्ड मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड पीस RS1। इसके बाद नीचे क्या करना है, कन्फर्म ऑर्डर पे आप लोगों ने क्लिक करना है। इसके बाद मैं इसको वेरिफिकेशन देता हूँ और अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कार्ड ऑर्डर सक्सेसफुली। यहाँ पे आपका ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाएगा, इसके बाद किस डेट पे आपने ऑर्डर किया था, इसके बाद कार्ड पीस जो कि पेड RS1 मिल जाएगा, ऑर्डर आईडी, मेरा नाम आ जाएगा और इसके बाद प्रॉम ये चीज़ आ जाएगा। इसी तरह आप लोग इसी जेज का जो डेबिट कार्ड था मास्टर, इसको प्रीमियम ऑर्डर करवा सकते। दोस्तों अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इस कार्ड को आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करवा सकते हैं, यानी जिधर भी आप लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवानी हो तो जेएस मास्टर डेबिट कार्ड आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इस कार्ड को आप लोग ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए नेशन वाइड यूज़ करवा सकते हैं, यानी इस कार्ड पर आप लोग को कम्प्लीट कंट्रोल होगा। इसका आप लोग ट्रांजेक्शन लिमिट सेट करवा सकते हैं, इसका पीओएस मैनेजमेंट करवा सकते हैं, जब चाहे आप लोग इस कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक करवा सकते हैं। सिंपल तरीके से आप लोग इस कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बाजार पे शॉपिंग पे जाते हैं, वहाँ पे आप लोग को पैसों की ज़रूरत पड़ता है, तो आप लोग इस कार्ड को मोर देन 16,000 ATM मशीन में यूज़ करवा सकते हैं, यानी जिधर चाहे आप लोग को पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप लोग इस कार्ड को उठा के किसी भी ATM मशीन पे जाके इस कार्ड के थ्रू पैसे विड्रा करवा सकते हैं। इस कार्ड के थ्रू आप लोग मोर देन 67,000 मर्चेंट पे यूज़ करवा सकते हैं और हर ट्रांजेक्शन पर आप लोग को फ्री SMS अलर्ट भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर डेली लिमिट की बात करें तो इस कार्ड के थ्रू आप लोग को 50,000 का शॉपिंग लिमिट मिलता है जो कि बिल्कुल फ्री है। दोस्तों अब मैं आप लोग को लेके जाता हूँ और इस कार्ड को अनबॉक्स करवाता हूँ कि आया हमें इस कार्ड के थ्रू क्या क्या चीज़ें मिलने हैं और इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिले, तो चलिए इस कार्ड को अब अनबॉक्स करवाते हैं। दोस्तों अगर इस कार्ड के बॉक्स के बारे में बात करें तो एक तो आप लोग को सिंपल और अट्रैक्टिव डिज़ाइन मिल जाएगा, सिंपल सा स्मॉल सा पैकिंग है जिसको आप लोग आसानी के साथ कैरी करवा सकते हैं, जिधर चाहे आप लोग इसको लेके जा सकते हैं, आप लोग आसानी के साथ अपने पॉकेट या पार्सल पे रख के जिधर चाहे आप लोग इसको लेके जा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अनबॉक्स करवा के आप लोग को दिखाता हूँ कि कौन सा वाला कार्ड हमें इसके अंदर से मिल जाएगा। तो इस कार्ड का पैकिंग आप लोग देख सकते हैं कि ये सिंपल सा पैकिंग है जिसको आप लोग को यहाँ पे इसके फ्रंट साइड पे जेएस कैश का लोगो मिल जाएगा और बैक साइड पे आप लोग को जेएस कैश का जो मास्टर कार्ड है जो भी सर्विस पे यूज़ किया हो। इसके बाद जिस पे मेरा नाम आ रहा है, इसके नीचे मेरा एड्रेस आ रहा है, उसके बाद आप लोग को बार कोड का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए आप लोगों ने इसको यहाँ से ओपन करो, मैंने इसको यहाँ से इसको आसानी के साथ ओपन करवा देता हूँ। आप लोग जो भी तरीके से इसको ओपन करें तो आप लोग इसको ओपन करवा सकते हैं। इसको आप लोगों ने इस तरह ओपन करवाने, जैसे ही आप लोग इसको ओपन करवाए तो यहाँ पे आप लोग को दूसरा पैक मिल जाएगा। ये वाला पैक मैं यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ इस तरह, और ये मेरा दूसरा इस पहले का है। इसके फ्रंट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि जेज का जो लोगो आ रहा है, इसके साथ साथ मास्टर डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे नीचे दुनिया को बता दो यहाँ के ऑप्शन है, उसके बाद मास्टर कार्ड का लोगो और मोबाइल लिंक का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बैक साइड पर फिर से आप लोग को इस तरह का इंपॉर्टेंट नोट मिल जाएगा। डियर कस्टमर, दिस इज ए सील एनवेलप एंड मस्ट ऑनली बी ओपन बाई द कस्टमर, प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन। यहाँ पे आप लोग को इम्पोर्टेंट नोट दिया जा रहा है कि यहाँ पे ये आप लोग को पैक मिल जाए, अगर आप लोगों ने किसी ने इसको ओपन कर रखा हो तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना, इसको रिसीव नहीं करवाना है। तो यहाँ से भी आप लोगों ने इसको इस तरह ओपन करवानी है। मैं इसको भी यहाँ से ओपन करवाए तो कि इसको किस तरीके से ओपन किया जाए, ट्राई करवा रहे तो इस पर कि मैंने इसको किस तरह ओपन करवानी है। आपने जो भी तरीका यूज़ करवाना है इसको आप लोगों ने यहाँ से ओपन करवानी, मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया तो मैं ये वाला ऑप्शन, ये वाला चीज़ भी यहाँ पे रख देता हूँ। तो इस तरह आप लोग को एक और पैक मिल जाएगा इसके अंदर। फर्स्ट पे आप लोग को ये मिल जाएगा, सेकंड पैक आप लोग को ये मिल जाएगा और थर्ड पैक आप लोग को ये एक एनवेलप सा मिल जाएगा जिसके अंदर आप लोग को आपका कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग को जेएस कैश का मास्टर कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप लोग यहाँ से ओपन करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को बता रहा है कि टू सेट यूर कार्ड पिन लॉगिन विद जेएस कैश ऐप
डायल *786# और डायल 2 यहाँ पे आप लोग इसके हेल्पलाइन पे कॉल करवा के भी इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। इसके अंदर मुझे जी वाला कार्ड मिल चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड फीचर, यहाँ पे आप लोग को डेबिट कार्ड के फीचर के बारे में बता रहे कि क्या चीज़ है इसके साथ। कॉन्टेक्टलेस पेमेंट एंड POS परचेजेस, सिक्योर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, मोर कंट्रोल ओवर कार्ड मैनेजमेंट थ्रू ऐप एंड USD डायल *786, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ। इस चीज़ को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इस कार्ड को आप लोग को दिखा, जिसका लुक आप लोग देख सकते बहुत रियलिस्टिक और सॉफ्ट लुक है, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल इस पर यूज़ की, सिंपल सा कार्ड है। यहाँ पे मेरा जेस कैश का लोगो आ रहा है, इसके बाद मेरा नेम आ रहा है और नीचे ये मास्टर कार्ड का लुक है, जो कि नॉर्मली आप सब यूज़र को पता होगा। इसके बैक साइड पर ये चीज़ें आप लोग को मिलती है, यहाँ पर मेरा जो कि इस कार्ड का नंबर है ये आ रहा है, मैंने इसको हाइड कर रखा है ताकि मैं सिक्योरिटी रीज़न को जिसको मैंने हाइड करा, और यहाँ पे CVV पिन भी आप लोग को मिल जाएगा। तो इसका बैक साइड भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और फ्रंट साइड आप लोग को सिंपल इस तरह का मिल जाएगा, यानी इस बॉक्स के अंदर आप लोग को ये सिंपल चीज़ें मिलते हैं और आप लोग को बहुत रियलिस्टिक और साफ लुक वाला कार्ड मिल जाता है। तो ये था हमारा कार्ड, अब हम इसको जाके इसको एक्टिवेट करवाने, तो चलिए हम इसको किस तरह एक्टिवेट करवाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को इसके एक्टिवेशन के बारे में बताऊंगा कि इस कार्ड को आप लोगों ने किस तरह एक्टिवेट करवानी है। इस कार्ड को आप लोग सिंपल दो मेथड में से एक्टिवेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जेस कैश ऐप इंस्टॉल है, इसके थ्रू मैं इस कार्ड को किस तरह एक्टिवेट करूंगा, या मेरे पास सिंपल मोबाइल फोन है, इसके थ्रू *786# को डायल करवा के किस तरह एक्टिवेट करूंगा, या फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्मार्टफोन है पर हमारे पास जेस कैश ऐप इंस्टॉल नहीं, तो इस कार्ड को मैंने किस तरह एक्टिवेट करवा। तो चलिए मैं आप लोग को दोनों मेथड बता देता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्ड को किस तरह आसानी के साथ एक्टिवेट करवा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं अपना जेस कैश ऐप ओपन करवा के इस पे अपना अकाउंट लॉगिन करवा देता हूँ, और जैसे ही मेरे पास मेरा अकाउंट लॉगिन हो तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को जेस कैश डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, टॉप पिक्स पर यू पे आप लोगों को जेस कैश डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। अगर आप लोग को यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा तो आप लोग को मैं माई अकाउंट पर भी शो करवाने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने वहाँ से भी इसको किस तरह ओपन करवानी है। मैं यहाँ से इससे बैक जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टॉप पिक्स पर यू पे आप लोग को जेस कैश डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं मिले तो आप लोगों ने क्या करना, माई अकाउंट पे क्लिक करना है, और माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करवा के यहाँ पे जेस कैश डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, जो जो डेबिट कार्ड आप लोग के अकाउंट के साथ लिंक है यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये कार्ड एक्टिवेट करने जाऊँ जो कि टॉप है, मैं इस पे क्लिक करवा देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या मिल जाएगा, सिट कार्ड पिन का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने एक्सपायरी डेट एंड ईयर देना है, यानी ये यहाँ पे मंथ और ईयर आप लोगों ने दे रहे हैं, जो कि आपके जेएस डेबिट कार्ड के बैक साइड पे आप लोग को आपके कार्ड के नंबर के नीचे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्सपायरी डेट मंथ और ईयर भी दे दी, मैं इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मुझे बता रहे कि न्यू 4-डिजिट जेएस कैश डेबिट कार्ड पिन, यहाँ पर आप लोगों ने 4-डिजिट का मास्टर पिन सेलेक्ट करवाने, जो कि किसी भी बंदे के साथ आप लोगों ने शेयर नहीं करवाने। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए, और इसके बाद आप लोगों ने सेट कार्ड पिन पे क्लिक करवा के आपके कार्ड पे यहाँ पे पिन एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और आपका कार्ड अब यूज़ में आ चुका है कि इसको आप लोग कहीं भी यूज़ करवा सकते हैं। तो ये तो था आप लोग को जेस कैश ऐप के थ्रू एक्टिवेट करने का तरीका। अब मैं आप लोग को सिंपल मोबाइल फ़ोन के साथ, या फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास जेस कैश ऐप नहीं है तो आप लोगों ने इस कार्ड को किस तरह एक्टिवेट करवानी है। तो दोस्तों इसके लिए मैं अपने फ़ोन के डायल पैड पे जाता हूँ, यहाँ से *786# डायल करवा लेता हूँ। अगर आप लोग के पास सिंपल मोबाइल फ़ोन है तो आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन के कीपैड में से *786# डायल करवानी। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 6 माई अकाउंट पे जाना है, और इसके बाद आप लोग को पोर्ट नंबर पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने पोर्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करवानी। इसके बाद सेकंड कार्ड क्रिएट कार्ड पिन का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करवानी, और अब यहाँ पे आप लोग का कार्ड शो हो जाएगा, इसके कुछ नंबर आप लोग को शो कुछ हाइड कर रखे हुए, यानी ये कार्ड अब आपके अकाउंट के साथ लिंक है, इसका पिन आप लोग क्रिएट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सही कार्ड है तो मैं 1 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करवा देता हूँ, और इसके बाद प्लीज़ इंटर एक्सपायरी डेट मंथ एंड ईयर, यहाँ पे आप लोगों ने जैसे कि मैंने ऐप पर बता दिया, यहाँ पर भी आप लोगों ने मंथ और ईयर देना एक्सपायरी, और इसके बाद सेंड पे क्लिक कीजिए। अच्छा इस पे यहाँ पे आप लोगों ने बैक स्लैश नहीं लगाना, मैंने यहाँ पे बैक स्लैश लगाया तो मैं वहाँ पे वापस करवा देता हूँ।
और अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि एंटर 4 डिजिट कार्ड पिन, यानी यहाँ पे जैसे कि ऐप पे बता दें कि यहाँ पे आप लोगों ने 4 डिजिट का कार्ड पिन देना है, तो यहाँ पे आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा इस कार्ड के थ्रू। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पिन देता हूँ, और जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपना पिन एंटर करते हैं, इसके बाद आप लोगों ने सेंड पे क्लिक करवाना है। अगेन आप लोगों ने वहाँ पे यहाँ पे अपना मास्टर पिन देना है और अगेन सेंड पे क्लिक करवानी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपने जेस कैश अकाउंट का मास्टर पिन देना है, यानी जिस पिन पे आप लोग अपना अकाउंट लॉग इन करवाते हैं। एक तो आपके कार्ड का पिन हो गया, दूसरा आपके अकाउंट का पिन हो गया, तब आपका यहाँ पे ये कार्ड एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो मैं अपने अकाउंट का मास्टर पिन यहाँ पे एंटर करवा देता हूँ और सेंड पे क्लिक करवा देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते योर पिन हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, अब मेरा कार्ड यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग अपना जेस मास्टर डेबिट कार्ड आसानी के साथ एक्टिवेट करवा सकते हैं। दोस्तों आज के शुरू को ये बता दिया कि जेस मास्टर डेबिट कार्ड क्या चीज है, इसको आप लोगों ने क्यों ऑर्डर करवाना है, इसको आप लोगों ने किस तरह ऑर्डर करवाना है, इसके बेनिफिट्स के बारे में बता दिया, इसके अनबॉक्सिंग के बारे में बता दिया, और एंड पे आप लोगों को इसके एक्टिवेशन के बारे में बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छी तरह समझ में होगा। फिर भी वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, और देखते रहिए साइम स्टूडियो को।